लड़कियां मैंने तुम्हें दिखाई, हर लड़की को तुमने रिजेक्ट किया। मैं समझ रही थी कि कोई मेयार होगा मेरे बेटे का, लेकिन ये पसंद है तुम्हारी। मामा प्लीज आप रिलैक्स हो जाए, आप ट्रैवल करके आई हैं। मैं आपसे इस बारे में कल बात करूंगा। बात भी अभी होगी और फैसला भी अभी होगा। तुम जानते हो सड़की की माँ इस घर में बर्तन मांझती थी? पेट भरने के लिए रोटी और सर छुपाने के लिए छत तो दे सकती हूं मैं उसे, लेकिन अपना बेटा नहीं दे सकती। तुम्हारे आगे वो लड़की कुछ भी नहीं है, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो साथ। डैड देखो बेटा, अपनी माँ की तरह तुमने मुझे भी बहुत मायूस किया है। तुम्हें अपने फैसले पर नजरसानी करना होगी। अरे कहाँ तुम आला तालीम याफ्ता आजाद जहन के मालिक, और कहाँ ये लड़की? Dad, you know me very well. मेरा आपके साथ रिलेशन दोस्तों जैसा है, प्लीज आप मेरी बात को तो अंडरस्टैंड करो। साथ ये हल्के फुल्के अफेयर्स और मसालेदार किस्सों की बात अलग है। तुम्हें अपने कदम यहीं रोकने होंगे। डैड आप जिन अफेयर्स की बात कर रहे हैं ना, मेरा रूही के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा मैं। जिस फैसले का कोई नतीजा ना निकले ना, उस पर मुझे कोई बहस करनी नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो साथ, तुम उस लड़की से शादी किसी कीमत पे नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। ये मेरा आखिरी फैसला है। We'll be right back.